Praise the Lord and good morning to everyone who are listeners to this morning meditation. और आज की सुबह आप सबको जय मसीह की और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ खास रीति से वे जो सब इस सुबह के मनन को सुन रहे हैं. There is a freshness about a new day. और एक नए दिन में एक तरोताजापन भी आता है. So I hope you are enjoying that freshness of life. और मुझे पूरी आशा है कि आप सब अपने जीवन की उस तरोताजगी का आनंद जरूर उठा रहे हैं. Because last night when we went to sleep, क्योंकि पिछली रात जब हम सोने के लिए गए, there was no guarantee that we will rise up in the morning. तब ये कोई भरोसा नहीं था, इस बात का कोई भी ऐसा हियाव नहीं था कि सुबह आप जरूर उठेंगे. But thank God. लेकिन धन्यवाद हो God's mercy and faithfulness have allowed us to live another day. कि परमेश्वर ने अपनी दया और विश्वास योग्यता में हमें यह अनुमति दिया कि हम एक और नए दिन जिए. We shall continue our meditation on God's covering for man's nakedness. हम अपने मनन को जारी रखेंगे जिसका शीर्षक था परमेश्वर का ढकना मनुष्य की नग्न अवस्था को. Based on Genesis chapter 3 verse 21. जिसके जो वचन है वो उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 21वें वचन से लिया गया है. In our meditation on Thursday, बृहस्पतिवार को हमारे मनन में we saw how God created Adam, the first man. कि हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया. He was perfect. वो सिद्ध था. And innocent. और वो किसी भी प्रकार से दोष रहित था. But it became unclean by sinning against God. लेकिन वो अशुद्ध हो गया जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. And thus lost the glory of God, which was his covering. और उसके द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया जो उसका ढकना था या उसका छिपना था. Both Adam and Eve were naked. और दोनों आदम और हव्वा नग्न थे. But were not ashamed or afraid. लेकिन वो अपनी नग्न अवस्था का उन्हें शर्मशार नहीं थे और ना ही उन्हें छिपाने की कोशिश करते. Because of God's glory around them. क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उन्हें चारों ओर घेरे हुए थे. We saw how they tried to provide cover for themselves. और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप के लिए एक छिपाने की कोशिश करी. And so they got a few leaves from tree. और इसलिए उन्होंने पेड़ों से कुछ पत्तों को लिया. And tried to make a covering. और अपने आप को ढकने के लिए कपड़े बनाने की कोशिश किया. But they could not fully cover themselves. लेकिन उन्होंने पूर्ण रीति से खुद को ढक नहीं पाए. And were afraid in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में भयभीत हो गए. The first result or consequence of disobedience is fear. और इसलिए अनाज्ञाकारिता का पहला परिणाम यह होता है कि आपके जीवन में भय आ जाता है. And so last in our last meditation, और इसलिए हमारे पिछले मनन में, we found that man is utterly incapable. कि मनुष्य तो अपनी योग्यता में योग्य है ही नहीं. To of covering the shamefulness of nakedness. कि वो अपने नग्न अवस्था को शर्मशार करने वाली स्थिति को खुद ढक सके. That was the first thing that point that we considered on Thursday. और वो पहली बात थी जिसके ऊपर हमने अपनी शिक्षा को रखा. And secondly. और दूसरी बात. What was the answer then? और इसलिए उत्तर क्या था? God Himself undertook to clothe them. कि परमेश्वर ने खुद इस बात का कार्यभार उठाया कि वो उन्हें कपड़े बनाकर पहनाए. And God said, और परमेश्वर ने कहा, I am the Lord that heals thee. कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता है. And I am the Lord that clothes thee. कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे कपड़े पहनाता है. And in spiritual life, और अपने आत्मिक जीवन में, unless God Himself gives us a garment of righteousness, जब तक परमेश्वर खुद हमें उन धार्मिकता का कपड़ा नहीं देता, we will always be naked before God. तब हम हमेशा परमेश्वर के सम्मुख नग्न अवस्था में खड़े होंगे. But thanks be to God. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो. He Himself has provided a garment of righteousness. कि उसने खुद हमारे लिए एक धार्मिकता के कपड़ों को दिया है.
And when Adam and Eve lived in moral innocence, और जब आदम और हव्वा नैतिक रूप से शुद्ध थे, that was before their rebellion, और ये उससे पहले था कि जब वो परमेश्वर के विरुद्ध जाएं, nakedness was not wrong or shameful, और उससे पहले वो नग्न अवस्था गलत नहीं थी और ना ही शर्मसार करने वाली स्थिति थी। Now Genesis chapter 2 verse 25 says, उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 25वें वचन में लिखा है, Adam and his wife Eve were both were naked, कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, but were not ashamed, पर लज्जाते नहीं थे, they never felt shame, और उन्हें कभी भी लज्जा नहीं आई। However, लेकिन फिर भी, after they sinned, जब उन्होंने पाप कर दिया, the awareness of nakedness became related to sin, तब उनका पाप उनकी नग्न अवस्था से जुड़ गया, and the corrupt condition of humanity, और मानवता की जो भ्रष्ट स्थिति है उसको दर्शाया। Now this new awareness would lead to ungodly desires, और ये नई परिस्थिति उन्हें अभक्तिपूर्ण इच्छाओं के ओर ले गया। And because of the evil and immorality, और उस बुराई और अनैतिकता को लेकर, which nakedness and temptation would cause in the world, जो नग्न अवस्था इस संसार में लेकर के आएगी, and God himself decided that nakedness must be covered, तब परमेश्वर ने खुद इस बात को निश्चित किया कि ऐसी नग्न अवस्था को ढके रहना है। So he made garments, तो उसने खुद कपड़ों को बनाया, and clothed them, और उन्हें पहनाया। Now he commands all people to dress modestly, और इसलिए परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि हर एक जन अच्छी रीति से कपड़े पहने, because it's God's way of keeping us clean, क्योंकि ये तो परमेश्वर का तरीका है कि वो हमें शुद्ध रखे। 1 Timothy chapter 2 verse 9, और पहला तिमोथियस दूसरा अध्याय 9वां वचन, that's where we read this, और इसी बात को हम वहां पर पढ़ते dress हैं, dress modestly, कि अच्छी रीति से पहनो, and decently, और धन्य रीति से कपड़ों को पहनो, covering your nakedness especially, ताकि तुम अपने नग्न अवस्था को छिपाने पाओ, covering your body, most part of your body, so that you will look clean, decent, and dignified, ताकि तुम अपने शरीर के ज्यादातर भाग को ढकने पाओ, ताकि तुम शुद्ध और पवित्र और अच्छे और भली भांति दिखने पाओ। So this command of the scriptures, और इसलिए परमेश्वर के वचन से ये आज्ञा, must be obeyed and followed by God fearing people, इसकी आज्ञा माननी है और परमेश्वर के इसके भय रखने वाले लोगों को इसके अनुसार चलना है। And thirdly, और तीसरी बात, we also see that the clothes God has provided for Adam and Eve, कि वो कपड़े जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए दिए, could have been obtained only at the cost of a life, वो उन कपड़ों को सिर्फ एक जीवन को मारने के द्वारा ही बनाया जा सकता था। Think about it. इस बारे में सोचिए। That life was of one who was unguilty, और वो जीवन था एक ऐसे का जिसमें कोई दोष नहीं, and it was innocent, और वो जिसमें कोई पाप नहीं, one who did not have any share or part in the sin which caused man naked, और एक ऐसा जिसके इस पाप में कोई हिस्सेदारी या लेना देना नहीं जो मनुष्य ने किया। Now we have here the first institution of a sacrifice, और यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से बलिदान का पहला अनुष्ठान है। And God himself was the institutor, और परमेश्वर ने खुद इस अनुष्ठान को बनाया। It is a type of the supreme crowning sacrifice of Christ on Calvary, और ये तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस कालवरी पर वो सबसे उत्तम बलिदान को हम देखते हैं। And his righteousness, which is the only garment for our nakedness, और उसकी धार्मिकता जो हमारे नग्न अवस्था को ढकने के लिए सिर्फ एकमात्र कपड़ा है। Think about it. इस बारे में सोचिए। The dying struggles of the animal,
और वो जानवरों के मरने का जो मुश्किल है could not fail to remind them of their own sentence of death. वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे वो मृत्यु जो उन्हें मिलनी थी वो एक जानवर को दी गई. And the cry of the animals tells you. और उस जानवर की पुकार इस बात को बताती है. I am taking your place. कि मैं तेरे स्थान को ले रहा हूँ. You were actually to be in this place. और मेरे स्थान पर तो तुझे होना चाहिए. Come under the knife. और उस चाकू से निकलकर आना था. And die. और मरना था. The soul that sins will die. और वो आत्मा जो पाप करता है वो मरेगा. But Christ took our place and went to the cross. लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे स्थान को लिया और उस क्रूस पर चला गया. That's love beyond degree, beyond description. और वो एक ऐसा प्रेम है जो भिन्नता के परे है. How could any person, sensible person, could resist such love? और कैसे एक बुद्धिजन ऐसे प्रेम के विरुद्ध खड़ा हो सकता है? And when you think that the only thing sinners and rebellious, disobedient people deserve is hellfire. और इसलिए याद रखिए एक ही बात, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं उसके प्रति अविश्वास योग्य है या अनज्ञाकारी हैं, वो उस नर्क की आग के योग्य हैं। But Jesus took our place. लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे स्थान को लिया. Let us humbly look to him. और इसलिए दीनता के साथ हम उसकी ओर देखें. And acknowledge him. और उससे इस बात को कहें. And invite him into our heart. और उसे न्योता दे हमारे हृदयों में आने के लिए. Let him live within us. और होने दे वो हमारे भीतर निवास करने पाए. That we may live a glorified and dignified life. ताकि हम एक महिमामय और एक आदरमय जीवन उसके लिए जीने पाए. Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. Is therefore the only savior. और इसलिए वही एक ही एकमात्र उद्धार करता है. Let us invite him. और आइए हम उसको न्योता दें. Blessed Holy Spirit. धन्य पवित्र आत्मा. We all need you, Lord, to enable us to call on the name of the Lord. हम सबको तेरी आवश्यकता है ताकि हम तेरे नाम को पुकार सके. And it says in your scriptures, anyone and everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. कि हर एक वो जन जो तेरे नाम को पुकारता है वो बचा लिया जाएगा. And therefore, और इसलिए, anyone among our listeners, हमारे सुनने वालों में से कोई भी अगर एक है, has not yet taken Jesus into their life, अगर उन्हें यीशु को अपने जीवन में अभी तक नहीं लिया है, let him or her do it now. होने दे वो अब इसे करने पाए. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता. दैट देयर सोल्स मे इटर्नली बी सेव्ड. ताकि उनकी आत्माएं अनंत से बचा ली जाएं. एंड बी रेडी टू बी विद यू फॉरएवर. ताकि आपके संग हो, ताकि अनंत काल के लिए वो आपके साथ रहें. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. आमेन. आमेन. दिस इज वेरी सीरियस माय फ्रेंड. और ये बहुत ही गंभीर है मेरे मित्र. डू नॉट टेक God's mercy and grace for granted. और परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास योग्यता को एवे में ना ले. He looks for brokenness of heart. और वो परमेश्वर देखता है आपके टूटे हुए हृदय को. And repentance. और उस मन फिराने को. He is ready to forgive and welcome you. वो तैयार है कि आपको क्षमा करे, आपको दोबारा अपने पास ले आए. Thank you. धन्यवाद. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Lord, we thank you for that great crowning sacrifice you made of yourself for our sake. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए किया. This love is beyond our description. और ये प्रेम हमारे वर्णन के अपार है. How can we resist it? और कैसे हम इसके विरुद्ध आ सकते हैं? Therefore, I pray that you break the hardness of the heart of people. कि तू लोगों के हृदय की कठोरता को तोड़. That they will humble themselves and come to Jesus and be saved. ताकि वो खुद को दीन करके यीशु के निकट आ जाएं और खुद को बचाएं. For this is your desire. क्योंकि यही तेरी इच्छा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष. Have a great weekend. एक अद्भुत हफ्ता आपका बीते. Tomorrow is Sunday. और कल रविवार है. Never miss. Make sure that you attend your church. कभी भी कलीसिया आना ना भूलें और हमेशा रविवार यानी शबात के दिन आप कलीसिया में पाए जाएं. आमेन. आमेन.